जी हाँ नाजरीन, शिपैक टीवी की तरफ से आपका मेजबान आरएच एस आज एक नए फूड रिव्यू के साथ आपकी खिदमत में हाजिर है। थोड़ा ओवर हो गया। हाँ भाई क्या हाल है? ओ हाँ भाई क्या हाल है, फिट हो? अच्छा भाई, बंदा अगर किसी चीज का शौक रखता हो ना तो वो सही से शौकीन होना चाहिए। मैं खाने का शौकीन हूँ, पूरी दीवार पे खाना ही खाना है। ये 25 प्लस रेस्टोरेंट्स के जो हैं वो मेन्यूज लगे हुए हैं। कभी भी किसी भी टाइम खाने का दिल कर रहा हो ना तो बंदा सोचता है कि मैं आज कहाँ जाऊँ, क्या खाऊँ। तो भाई इस दीवार की तरफ एक नज़र डालनी है और कहाँ जाना है आराम से पता लग जाता है। 25 प्लस मेन्यूज लग चुके हैं और आ रहे हैं और पूरी दीवार भरेगी है। अच्छा, मेरी बचपन से एक आदत है, बड़ी कई लोगों को बड़ी अजीब भी लगती थी और अजीब भी है, ठीक भी है जैसे भी, कि मुझे अगर किसी चीज़ का पता लग जाए ना, अच्छी हो या बुरी हो, तो वो भाई मैं उसको, मेरे वो पेट में बात रहती नहीं है, मैं वो बात जो है ना कि बता सबको बता देता हूँ कि ये हुआ, इस तरह हुआ है, ये चीज़ ऐसे है वैसे है। मतलब कि इस वजह से आपके भाई को न्यूज़ चैनल का खिताब भी मिला बचपन में। तो ऐसे ही भाई पिछले दिनों जो मैंने व्लॉग बनाया, अपना 20th व्लॉग था, उसमें मैं रेंडमली बिग मॉइज़ पे चला गया। वहाँ पे वैसे मेरा कोई प्लान नहीं था जाने का, लेकिन मैं दोस्तों के साथ फिर रहा था एम्पोरियम में, तो मैं बिग मॉइज़ पे चला गया। तो वहाँ जाके मैंने उनका पहले नहीं बर्गर वगैरह कुछ नहीं ट्राई किया हुआ था, तो मैंने उनका एक डील चल रही थी वो मैंने डील ट्राई की। उसमें बर्गर मैंने उस व्लॉग में भी बताया था कि वो रिव्यू नहीं था उस दिन, फूड रिव्यू नहीं था, लेकिन फिर भी मैंने उस बर्गर की बहुत तारीफ की थी अपने उस व्लॉग में। तो वो बर्गर इतना फिट था कि मैंने सोचा अगर इतनी अच्छी चीज है, बचपन से भाई की आदत चल रही है एक चीज को फैला देने वाली, मतलब कि पेट में बात नहीं ना रहती भाई, आपको आप जिगर अपने आप को बताए बगैर कैसे रह सकता हूँ। उनके बर्गर ने पैसे इतने पूरे करवा दिए थे कि आज का पूरा व्लॉग जो है बिग मॉइज़ के नाम हो गया। और आज मैं बिग मॉइज़ जा रहा हूँ और उनका मैंने पहले एक डील ट्राई की थी, लेकिन आज मैं टोटल जो है ना कोई उनके अच्छे वाले जो मेन जो भी टॉप ऑफ द लिस्ट जो भी बर्गर होंगे वो ट्राई करूंगा और साथ ही चलो यार आ जाओ। तो पहुंच गए भाई बिग मॉइज। कोई भी जो है ना वो रेस्टोरेंट अगर इंसान आता तो वो सिर्फ खाने के लिए नहीं आता, उसको और भी जो है ना वो होता है कि मतलब कि माहौल बड़ा अच्छा हो। सिर्फ खाना पीना तो नहीं होता आगे, मतलब इंसान एक रिलैक्स होने के लिए आता है कि एनवायरनमेंट अच्छा हो, जगह अच्छी बनी हो, तो उसके हिसाब से पहले खाना शाना तो खाएंगे बाद में। पहले आपको दिखाता हूँ कि इनका बिल्कुल एक डिफरेंट थीम के साथ बना हुआ पूरा बिग मॉइज़। यार बर्गर इतना फिट था कि पूरा आज व्लॉग इनके नाम। अच्छा भाई, इन्वायरमेंट तो फिट है ही है, ये पीछे इन्होंने 50s के दौर की एक गाड़ी भी खड़ी की है जो गाड़ियों के शौकीन लोगों के। तेरी है? क्या बात है बाबा, कैलिफोर्निया से मंगवाई है। क्या है, कहाँ से मंगवाई है? कैलिफोर्निया। कड़ाल नहीं पड़ा तेरे मुंह? ना जी ना, कितने पड़ा। अच्छा तो ये गाड़ी है जो गाड़ियों के शौकीन लोगों के लिए भी बड़ी फिट चीज़ बन सकती है, मतलब कि इसके भी थोड़े से सीन आपको दिखाता हूँ।
पिछली दफ़ा डील मंगवाई थी, लेकिन आज जो है एक इनका जो टॉप ऑफ द लाइन बर्गर है वो ये है डायनामाइट। तो एक मैं मंगवाऊंगा डायनामाइट, दूसरा एक डिसाइड हुआ है चिकन, ये बिग मच चिकन बर्गर, और एक ये तंदूरी बर्गर। और स्टेक भी, स्टेक कम ही जगह का मुझे अच्छा लगता है, लेकिन स्टेक भी मैं इनका सोच रहा हूँ कि ट्राई कर लूँ, क्योंकि बर्गर बहुत अच्छा था तो हो सकता है स्टेक भी अच्छा हो। तो ये स्टेक है, बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस, ये मंगवाऊंगा। चार चीज़ें अभी फ़िलहाल, ये चार चीज़ें ट्राई। अच्छा, एक ये डायनामाइट जी सर, और एक ये बिग मोज चिकन बर्गर सिंगल में शेयरिंग, ये कौन सा ठीक होगा? चलें चलें ठीक है, शेयरिंग। और एक ये तंदूरी बर्गर, और एक स्टेक ले आए बीफ स्टेक विद मशरूम सॉस, ठीक है। उसके साइड के साइड पे क्या लाना चाहिए? इसकी साइड पे क्या क्या अवेलेबल मैंने देखा नहीं है। साइड पे उसका सिर्फ कॉर्न एंड कोब है, गार्लिक ब्रेड है। इधर लाइव कुकिंग है, मतलब कि आप बाहर से भी देख सकते हैं कि क्या क्या चीज़ कैसे बन रही है, लेकिन मैं फिर भी अंदर जाऊँगा। Life than this, reaching for the stars, traveling so far, like a dragonfly. Just grab my hand, don't hit me sin. ऑर्डर आ गया। अच्छा, अक्सर रेस्टोरेंट्स में मैं जाता हूँ तो उसके अंदर जो है ना मेन्यू में ये होता है कि डिस्क्रिप्शन होती है, कोई उसमें तस्वीर वगैरह नहीं होती, मतलब बंदा अगर कुछ मंगवाना चाह रहा हो तो उसको पता नहीं लगता कि ये क्या चीज़ मैं मंगवा रहा हूँ। तो इनके मेन्यू की एक अच्छी बात, जो प्लस पॉइंट एक मुझे ये लगा है कि इसमें डिस्क्रिप्शन के साथ हर चीज़ की मतलब तस्वीर बनी हुई है। आप पहले मतलब हम लोग देख सकते हैं कि उसमें जो है वो जो मैं मंगवा रहा हूँ वो चीज़ क्या होगी या कैसी होगी। तो भाई फायदा है। इन्वायरमेंट और किचन के हिसाब से तो कोई शक नहीं है कि हर चीज़ इतनी फिट और इतनी साफ़ है कि मतलब वही जो बात मैंने पहले की है कि इंसान सिर्फ खाने नहीं आता, लेकिन उसको जो है ना माहौल भी अच्छा चाहिए होता है। तो माहौल इतना फिट है कि यहाँ पे बैठ के एक तो ओए होए स्टेक क्या बात। चलो पहले इन्वायरमेंट किचन दोनों पास हैं, दे दे 10x10 दे दे यार, दे दे 10x10 हो गया, ठीक है। उसके बाद अभी मैं स्टेक ट्राई करूँगा। आपकी खैर है भाई, ये ठंडा नहीं होना चाहिए। स्टेक बहुत फिट है इनका बीफ और जो मशरूम का। एक और मैं रेस्टोरेंट पे गया था, यहाँ पे आके किसी के साथ कंपेयर नहीं करना चाहिए, लेकिन बहुत ही माना ताना बड़ा महंगा बहुत अच्छा रेस्टोरेंट है वो भी। वहाँ पे मैं गया था, लेकिन उनका स्टेक मशरूम भी जले हुए थे, स्टेक बिल्कुल अच्छा नहीं था, लेकिन ये स्टेक इनकी बीफ की क्वांटिटी बहुत फिट है। उसके बाद जो ऊपर मशरूम्स डाले हैं वो बहुत मतलब टॉपिंग वगैरह बहुत फिट हुई हुई है। मुँह में पानी आ रहा है, आ जाओ बिग मोज एक मिनट। तो अब मैं ट्राई करूँगा डायनामाइट बिग मोज का, जो सबसे अच्छा बर्गर है, सबसे फिट, जिसमें नीचे बीफ की लेयर्स हैं, उसके बाद चीज़ है, और उसके बाद ऑनियन जो रिंग्स है। थोड़ा सा प्रेस कर लें, कुछ नहीं होता, इतना ह्यूज है बर्गर। मैं आज मैंने ये भी खा लिया, और अब मैं मान गया हूँ कि इस टाइम जो बर्गर मुझे सबसे अच्छा जिनका अब लगता है वो बिग मोज है। इतना फिट इनका बीफ बर्गर। अभी मैं इसके बाद चिकन भी ट्राई करूँगा, फिलहाल बीफ ट्राई कर रहा हूँ, लेकिन यहाँ पे बर्गर मतलब टेस्ट एंड है इस पर। हाँ 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 एक तो होता है ना कि बर्गर बड़ा हो तो आपसे संभाला नहीं जा रहा होता, उसमें से सॉस गिर रही होती है, बहुत ज़्यादा ओवरलोडिंग की होती है। इसमें ऐसा कुछ नहीं है, मतलब कि एक बहुत ही अच्छे तरीके से, जिस तरह बीफ की लेयर है, फिर चीज़ की है, फिर ऑनियन रिंग्स हैं, और मतलब कि हाथ भी नहीं ख़राब हो रहे, और आप इजीली खा भी मतलब सकते हैं।
तो ये अब मैं ट्राई करूंगा चिकन तंदूरी, जो खा खा के पागल हो जाना आपके भाई ने। बिग मोइज इतना पसंद आ गया उस दिन कि आज आके तीन बर्गर और एक से एक मंगवा लिया। अकेला नहीं हूँ और भी साथ हैं, वो अपना अपना खाने में मगन है। तो अब मैं ट्राई करूंगा चिकन तंदूरी हाफ कट में, पूरा बर्गर नहीं है नीचे पड़ा हुआ। पहली बाइट में बहुत अच्छा यार, मतलब मैं अपना टेस्ट आपको इस तरह बता सकता, जैसे बता रहा हूँ वैसे ही बता सकता हूँ और कैसे बता सकता हूँ। तंदूरी सही, जो तंदूरी का टेस्ट होता है, एक दफ़ा मैंने बहुत पहले तंदूरी कढ़ाई खाई थी, लेकिन उसके बाद वो मुझे कभी भी नसीब नहीं। आज मुझे वो कढ़ाई जो है ना, ये वाला तंदूरी खा के याद आया। जितना मुझे डायनामाइट पसंद आया था, लेकिन वो बीफ में था, ये चिकन में मुझे ये उससे भी ज़्यादा अच्छा लगा है। मतलब कि इसमें इसकी सॉस जो है, इनका किसी तरह मंदा चोरी कर लेना कि कैसे बनाते हैं, मज़ा आ। पहले मैंने डायनामाइट ट्राई किया था, उसके बाद चिकन तंदूरी। दोनों ही अभी तक जितना सोच सकते हो उतने अच्छे हैं टेस्ट में। और अब मैं इनका ट्राई करूंगा चिकन, बिग मोइज चिकन बर्गर। तो आप ये बिग मोइज चिकन बर्गर अभी ये ट्राई करते हैं। इनकी सबसे अच्छी बात जो मुझे ये लगी है कि हर बर्गर जो है इतना बड़ा बड़ा नहीं है। बर्गर एक मतलब सही एक शेप में है, जिस तरह ये देख लें इतना सा बर्गर होता है जो सही बंदा मतलब इसको आराम से पकड़ के खा सकता है। चिकन बर्गर में भी ये पैटी है और ग्रिल्ड पैटी और चीज़ है और मायो है। यार पता नहीं मुझे कोई मसला है या फिर इनके वाकई बर्गर बहुत अच्छे हैं। मतलब बीफ में अगर देखा जाए तो डायनामाइट इतना मज़े का था कि उसके जैसा बीफ मैंने शायद बहुत अच्छे बाद या पहले भी शायद इतना अच्छा बीफ ना खाया हो। बहुत अच्छा बीफ बर्गर था। उसके बाद जो तंदूरी था, तंदूरी भी बिल्कुल एक डिफरेंट चिकन, जो हर जगह चिकन बर्गर मिलता है या जैसा भी होता है, बिल्कुल एक डिफरेंट चीज़ है तंदूरी जो है चिकन। और उसके बाद ये चिकन बर्गर है, चिकन बर्गर का भी टेस्ट बहुत अच्छा है, बिल्कुल डिफरेंट एक टेस्ट है। आपको बताने के लिए सारे थोड़े थोड़े ट्राई किए थे, अब आप टिक के बैठो और मैं अब खाने पर जोर देता हूँ, उसके बाद थोड़ी सी बात करते हैं। अच्छा, इस जगह का एक और जो प्लस पॉइंट है, मतलब बड़ी अच्छी बात है कि एक जगह आप कुछ खाने जाते हो तो उसके बाद आपको डिज़र्ट के लिए दूसरी जगह जाना पड़ता है, लेकिन यहाँ पे डिज़र्ट भी है और डिज़र्ट भी बहुत ही हाई फाई किस्म का है भाई। ये हॉट फज संडे और इसके थोड़े से आपको दर्शन करवा देते हैं, उसके बाद में Big Moise.